तेरी यार तेरी फ्रेंड्स तेरी गर्लफ्रेंड तेरी एक्स तेरी गर्लफ्रेंड का एक्स क्यों हो गए सारे जंगली क्यों हो गए सारे जंगली क्यों हो गए हो गए हो गए हो गए हो गए सारे जंगली इकट्ठे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे आज पिजामा पकड़ के बैठे हैं कैसे हैं मेरे हिसाब से आप सब ठीक ही होंगे तो आज मैं लेके आया हूँ पार्ट 3 शेख चिली का तो वैसे आज कौन सा डेट है 13 सितंबर ओ माय गॉड आज सिद्धार्थ निगम का बर्थडे है सिद्धार्थ ब्रो का मुझे उनसे मिलना है यार मैं उसका उनका बिगेस्ट फैन हूँ मतलब वर्ल्ड में बिगेस्ट फैन मैं ही हूँ उनका मुझे तो ऐसा लगता है मुझे बहुत मिलने का मन है पर अब लॉकडाउन है कैसे मिलेंगे तो आई विश यू हैप्पी बर्थडे सिद्धार्थ ब्रो एंड मैं भी उनको बार बार मैसेज करता हूँ प्लीज़ रिप्लाई आई एम योर बिगेस्ट फैन इंस्टा पे फेसबुक पे सब जगह तो वैसे आज मैं लेके आया हूँ शेख चिली का पार्ट 3 द अम्ब्रेला गोज टू बैड शेख चिली तो स्टार्ट करते हैं चलो शेख चिली वॉज नॉट वेरी ओल्ड व्हेन ही लॉस्ट हिज फादर हिज मदर हैड टू अर्न अ लिविंग फॉर हरसेल्फ एंड हर सन वन डे शी अर्नड क्वाइट अ गुड अमाउंट एंड डिसाइडेड टू मेक अ गुड मील टू सेलिब्रेट विथ हिज हर सन शेख चिली बहुत मतलब इतना भी बुढ़ा नहीं था मतलब इतना भी बड़ा नहीं हो गया था कि जब उसके पापा उसको छोड़ के चले गए तब से उसकी मम्मी को उसको अपनी लिविंग के लिए मतलब जीने के लिए पैसे कमाने पड़ते थे एक दिन उसने बहुत उसकी मम्मी ने शेख चिली की मम्मी ने बहुत अच्छा अमाउंट कमाया तो उसने एक मस्त वो दावत जैसा सब कुछ बनाया देखो मैं आपको फूड आइटम्स दिखाता हूँ वेट दिख रहे ये है तो उसने इतना सारा खाना बनाया After the son and mother had their fill, there was much food left. मतलब दो जन तो थे तो इतना सारा तो नहीं खा सकते थे तो बहुत सारा खाना मतलब बहुत सारा भी नहीं थोड़ा सा खाना बच गया शेख चिली मदर डिसाइडेड टू सेंड सम फूड टू अ फ्रेंड ऑफ हर्स मतलब ऐसा उसकी मम्मी ने सोचा शेख चिली की कि थोड़ा जो फूड बचा है वो अपनी फ्रेंड को भेज देती हूँ उसके घर She asked Sheikh Chilli to take the packet of food to her friend's house. Since it was raining hard, she gave an umbrella to him. तो वो उसने खाना पैक करके दे दिया Sheikh Chilli को और वो फ्रेंड के घर चला गया उसकी मम्मी के फ्रेंड के घर खाना पहुँचाने दो Sheikh Chilli was quite sleepy as an effect of heavy meal. He went out in the rain to fulfill his mother's wish. He came back after an hour with the wet umbrella in hand. फिर वो चला जाता है बारिश पड़ रही होती है तो वो खाना खाया होता है तो फिर उसने खाना खाया होता है तो इसलिए उसको बहुत नींद आ रही होती है तो वो सोचता है कि मैं अभी क्यों ना चला जाऊं अपने घर जल्दी से मील पहुंचा के तो वो जल्दी से चला जाता है और एक घंटे में वापस आ जाता है अम्ब्रेला गीली अम्ब्रेला उसकी हाथ में पकड़ते हुए थैंक यू माई ओबीडियंट सन योर हेयर हैव गॉट डैम्पन्ड इन द rain dry them and go to bed keep the wet umbrella in a corner instructed Sheikh Chilli's mother तो उसकी मम्मी ने इंस्ट्रक्ट किया उसको कि थैंक यू मेरे अच्छे बच्चे जाओ अभी अपने बाल सुखा लो और चुपचाप जाके सो जाओ और ये अम्ब्रेला को कॉर्नर में रख दो इतने सारे इंस्ट्रक्शन एक साथ दिए देखो मैं वापस इंस्ट्रक्शन रिपीट करता हूँ थैंक यू उसके बाल गीले हो गए तो सुखा खुद के बाल गीले हो गए तो सुखा दो सो जाओ और अम्ब्रेला को कॉर्नर में रखो अब आगे शेख वॉज वेरी स्लीपी बाय नाउ सो ही वॉक्ड स्ट्रेट टू हिज बेडरूम नेक्स्ट मॉर्निंग हिज मदर केम टू हिज रूम टू वेक हिम अप शी वॉज टेकन अ बैक टू फाइंड शेख चिली स्टैंडिंग इन अ कॉर्नर विथ हिज आईज शट शी शुक हिम हार्ड एंड आस्क्ड हिम वॉट ही वॉज डूइंग देयर देखना मैं आपको अभी फोटो दिखाता हूँ ये रहा ये कॉर्नर में खड़ा है और उसने बेड पे छतरी रख दी है उसने पूछा कि ये तूने क्या किया
ओ मदर, इट इज़ सो हार्ड टू स्लीप बाई स्टैंडिंग इन अ कॉर्नर. डू यू लाइक द अम्ब्रेला मोर देन मी दैट यू आस्क मी टू पुट ऑन द बेड. उसने क्या बोला था कि छतरी को उधर रखो, अपने बाल सुखाओ, फिर थैंक यू भी बोला, फिर बोला कि सो जाना बाल सुखा के. उसने क्या बोला था, अम्ब्रेला को कॉर्नर में रखना है. तो उसने इतना नींद में था कि उसने ऐसा बोला कि कल सुबह जब मतलब सुबह को उसकी मम्मी ने उसको पूछा तुमने ये क्या किया तब, कि आपने तो बोला था कि मुझे बेड पे वो अम्ब्रेला रखनी और मुझे स्टैंडिंग कॉर्नर में खड़े खड़े सो जाना है, ऐसा बोला था. ऐसा शेख चिली ने रिप्लाई किया इरिटेड एंड स्लीपी टोन में, मतलब वो नींद में था, आधी नींद में सुबह को उठा. रिकॉलिंग हर वर्ड्स फ्रॉम लास्ट नाइट, शेख्स मदर रियलाइज दैट हर वर्ड्स गॉट मडल्ड इन शेख चिली हेड एज ही वॉज स्लीपी. देखा शेख चिली का एक और कॉमेडी पार्ट. तो गाइज आपको कैसा लगा ये? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल जल पारवानी को सब्सक्राइब कर देना. मेरे दो चैनल से जल पारवानी, एक में आप सर्च करोगे यूट्यूब पे तो डायरेक्ट ही पता चल जाएगा, मैं बताऊंगा तो फिर सब्सक्राइब कैसे करोगे. ठीक है, शेयर करना भी मत भूलना. ठीक है, चलो ओके बाय, टेक केयर.